नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज ऑन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पार्ट दो की गठन की प्रक्रिया इस वक्त तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे और हिंडन एयरपोर्ट से बाय रोड यूपी सदन जाएंगे और दोपहर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। शपथ ग्रहण और नए मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हो सकती है। पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे, शपथ ग्रहण और नए मंत्रिमंडल पर आज चर्चा हो सकती है और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। पीयूष, आज बड़ी चर्चाएं होंगी दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और सीधे तौर पर देखा जाए तो दोपहर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात करते हुए योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला दिल्ली दौरा होगा और कुछ ही देर में वो उत्तर प्रदेश सदन पहुंचेंगे। अगर उत्तर प्रदेश सदन की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए किस प्रकार से फूलमालों से जो गेट है उसको सजाया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश सदन को दिल्ली में भी यहाँ पे सजा दिया गया है किस प्रकार से, और यहाँ पे थोड़ी देर का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन में पहुंचेंगे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह और तमाम जो अधिकारी, अगर हम बात करें जो राधा मोहन सिंह है उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वो भी यहां पे आएंगे। और अगर हम इसके बाद लगातार जो बड़े नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है वो योगी आदित्यनाथ का शुरू हो जाएगा। सीएम योगी प्रधानमंत्री से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे, इसके अलावा राजनाथ सिंह से भी सीएम योगी मिलेंगे, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ी बैठक होगी जिसके बाद सरकार का रूपरेखा जो खाका है वो तैयार किया जाएगा कि जो नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा उसमें किन चेहरों को मौका देना है, किन को नहीं देना है, तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा होगी। तो थोड़ी देर का वक्त बचा है। उत्तर प्रदेश के सदन की बात करें तो तमाम कुछ जो नेता है वो भी यहां पे आने शुरू हो गए हैं। जो सीएम की सिक्योरिटी होती है उनके लोग यहां पे आ चुके हैं, और बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अब की बार कुछ नए चेहरों ने भी जीत दर्ज की है। और यह भी सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम किसको बनाया जाए, इसको लेकर भी यहां पे चर्चा और मंथन होगा। जी, अगर देखा जाए तो कितने क्या समय रखा गया है इस मुलाकात का, कितने बजे योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंचेंगे, उसके बाद में कितने बजे मुलाकात का समय है? देखिए करीब 30 से 40 मिनट का वक्त बचा है, चूंकि सीएम योगी 9 बजे के आसपास ही उत्तर प्रदेश सदन पहुंचने वाले थे लेकिन किसी कारणवश कुछ विलंब हो रहा है। 30 से 40 मिनट का और वक्त बचा है जब सीएम योगी उत्तर प्रदेश सदन में पहुंच जाएंगे। चूंकि ये जो मुलाकात थी सीएम योगी का दौरा कल ही होना था लेकिन कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या खुद प्रधानमंत्री हो गुजरात के दौरे पे थे तो कल ये बैठक या मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में आज संभव है कि प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी की मुलाकात होगी। जीत के बाद यह पहली मुलाकात होगी, एक जो शिष्टाचार मुलाकात है वो भी उससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। तमाम जो पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के वो भी आज दिल्ली दौरे पे हैं, अलग अलग जगहों पे जो बैठक है उसका भी दौर शुरू होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तमाम जो नाम है उन संभावित नाम है उन पर भी चर्चा मंथन होगा। अगर हम बात करें राजेश्वर सिंह की, किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देनी है, सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए यही बनी हुई है क्योंकि देखिए कई मंत्रियों ने अब की बार अपनी सीट कई मंत्री नहीं बचा पाए हैं। इसको देखते हुए भी कयास ये भी लगाया जा रहे हैं कि ज्यादातर मंत्रियों को फिर से रिपीट किया जाएगा। हालांकि बैठक में इन्हीं सब बातों पे चर्चा होगा। इसके अलावा एक और भी चर्चा होगी कि योगी आदित्यनाथ को कब शपथ ग्रहण उनका कब कराया जाए, होली बाद कराई जाए, पहले कराया जाए, इन सब सारी चीजों पर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। जी चलिए पीयूष, आप लगातार वहां बने रहिए और पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहेगा। इसी के साथ में हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। अश्विनी, अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए चल रहे हैं, आखिर कौन कौन से लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और डिप्टी सीएम को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से क्या कुछ अपडेट्स मिल रहा है?
निश्चित तौर पर एक बार फिर भाजपा ने प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश के अंदर पाया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से साफ था कि अगर भाजपा की वापसी होती है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के दावेदार योगी आदित्यनाथ भी ही होंगे। निश्चित तौर पर वो फिर से एक बार वापसी कर रहे हैं, लेकिन सबके बाद जो है तमाम जो चेहरे हैं उनको लेकर के चर्चाएं हो रही, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार गए, इसके बाद उनको किस जगह पर रखा जाकर इसको लेकर के ही आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं चर्चा होगी। जहां तक जानकारी मिल रही है अंदर से खाने से वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी जाएगी, वो उप मुख्यमंत्री की भी हो सकती है या किसी अन्य तरीके से उनको उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में रहेगी, जिससे वो 2022 का चुनाव आना है उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी जो वोटर्स है उसको लुभाया जा सके, उसको साथ लाया जा सके। इसके अलावा तीन उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव दो उसमें से चुनाव लड़े और जीते, AK शर्मा है जो IAS अधिकारी हैं, उनकी वापसी कराई गई, राजनीति में आए वो, और उसके बाद उनको MLC बनाया गया प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको भी इस बार जो सरकार बनेगी कैबिनेट होगी उसमें जगह दी जा सकती। इसके अलावा बात करें राजेश्वर सिंह है जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे ED के, उनको भी उत्तर प्रदेश की सरकार में जगह दी जा सकती है क्योंकि उनका प्रशासनिक अनुभव काफी बेहतर है, जिसको लेकर के उसका फायदा उत्तर प्रदेश सरकार को मिल सकता है। इसके अलावा आसिम अरुण है जो ADG रैंक से उन्होंने विरस लिया और राजनीति में उतरे, कन्नौज की वो सीट जहां पर भाजपा पिछले लंबे अरसे से उम्मीद जताई थी कि वो सीट हम जीते, उन्होंने उस सपने को पूरा किया तो निश्चित तौर पर जो सपा का गढ़ था उसको तोड़ा, तो उसका इनाम उनको मिलना लाजमी है। इसके अलावा बात करें अगर उपराज्यपाल माफ कीजिएगा जो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्या उत्तराखंड की, उनको उत्तर प्रदेश लाया गया, उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव लड़वाया गया, विधायक बनी है, साथ ही साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है उप मुख्यमंत्री के नाम की, उन्हीं की चल रही है क्योंकि वो एक दलित चेहरा है और दलित चेहरा उनको इसलिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि मायावती के समकक्ष खड़ा किया जा सके और एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए, क्योंकि उसी वर्ग से बेबी रानी मौर्य भी आती हैं जिस वर्ग से मायावती आती है। निश्चित तौर पर ये तमाम नाम, इसके अलावा बात करें सलभमणि त्रिपाठी है जो मीडिया सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दयाशंकर सिंह है जो बलिया से जीत के आए प्रदेश में, उनकी पूर्व में उनकी पत्नी स्वाति सिंह यहाँ से मंत्री रही हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी। एक तमाम नाम है जिनको लेकर चर्चाएं हो रही, साथ ही साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी अगर बात करें पिछले एक साल में उन्होंने जो मेहनत पार्टी के लिए की, उन्होंने तमाम ऐसे बड़े नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई, चाहे अपर्णा यादव हो या तमाम ऐसे बड़े और चेहरे जिनसे सीधे तौर पर भाजपा को फायदा हो रहा है, निश्चित तौर पर उनका भी काफी तेजी से नाम चल रहा है कि उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। सुरेश खन्ना है जो पूर्व में मंत्री रहे और 9वीं बार लगातार सांसद विधायक बने, उनको जगह मिलना सुनिश्चित माना जा रहा है। जी चलिए आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पीयूष तिवारी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, अगर देखा जाए तो अभी तक तारीख तय नहीं हुई है शपथ ग्रहण को लेकर के, कि आखिर किस तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, हालांकि होलाष्टक भी लगे हुए हैं, तो ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि होली के बाद ही ये पूरा समारोह किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज CM योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, इसके अलावा जब तमाम पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के वो यहाँ पे प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृहमंत्री से मिलेंगे, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिलेंगे। मिलने के बाद तमाम रणनीतियाँ और चर्चाएं होंगी कि किस प्रकार से शपथ ग्रहण कराया जाए, क्योंकि अब की बार कयास लगाया जा रहे हैं कि चूंकि प्रचंड जीत मिली है, सरकार रिपीट हुई है, तो यहाँ पे जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो, इसके अलावा प्रधानमंत्री शामिल हो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हो सकते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें राजनाथ सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो सकते हैं, जो विरोध में विपक्ष में थे उनको भी इस बार न्योता दिया जाएगा, चाहे हम मायावती की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, तमाम लोगों को भी न्योता शपथ ग्रहण समारोह में भेजा जाएगा। तो इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाया जाए इसके लिए भी कहीं ना कहीं डिले थोड़ा सा किया जा रहा था, चूंकि कयास लगाया जा रहे थे कि जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह योगी आदित्यनाथ का कराया जाएगा, लेकिन कुछ वजहें हैं जिनके बाद कहीं ना कहीं चर्चा होने के बाद तारीख पर मुहर लगेगी। इसके अलावा देखिए मंत्रिमंडल में कई लोगों को रिपीट करने की भी बात चल रही है, सतीश महाना का कद कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, इसके अलावा तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको फिर से मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को 2022 में जो जनादेश मिला है तो कहीं ना कहीं इसका संदेश जो है वो 2024 में जाना चाहिए, यही कारण है कि जातिगत समीकरण भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी जुटाने का प्रयास करेगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर केंद्र की सत्ता पे
आसीन होना है तो निश्चित तौर पे उसका जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। लगातार जो सांसद है, सबसे ज्यादा सांसद की बात करें तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है, यही कारण है कि अब की बार जातिगत समीकरण को सेट करने के लिए ही डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, किसी अन्य जाति से बनाया जा सकता है। तमाम जो नाम है वो चर्चा में चल रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, उनको भी कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है या फिर उन्हें केंद्र में लाया जाता है। तमाम चर्चाएं चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत रही है कि जब तक कोई फैसला नहीं ले लिया जाता है तब तक कयासों के बाजार ही चलते रहते हैं। ऐसे में आज एक बैठक होगी खुद प्रधानमंत्री से, जो योगी आदित्यनाथ है वो मिलेंगे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने भी तमाम रैलियां की उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। तमाम वो मुद्दे इस बार उठाए गए उत्तर प्रदेश चुनाव में, किसान आंदोलन के मुद्दे उठाए गए, अलग अलग जगहों पर राय बनाई गई, कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत सरकार कहीं ना कहीं बनाने में या बहुमत प्राप्त करने में सफल हुई। तो यही कारण है कि आज सीएम योगी दिल्ली आ रहे हैं, तमाम बड़े पदाधिकारियों से मिलेंगे, बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलेंगे। देर अगर हम बात करें, देखिए अपना दल एस की कई सीटें आई हैं, संजय निषाद की भी सीटें आई हैं, इन 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 लोगों को, इन पार्टियों को, किनके विधायकों को मंत्री, कितने मंत्री इन लोगों को भी बनाना है, तमाम विषयों पर चर्चा करना है, मंथन करना है। देर रात तक आज सीएम रुक सकते हैं, संभव है कि कल भी रुक जाए। तमाम जो और भी बड़े पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पे गहन चिंतन और मंथन करेंगे, खुद धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पे मौजूद होंगे और उनसे भी चिंतन और मंथन होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो कि चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के बनाए गए थे, उनका भी काफी अहम योगदान रहा है। देर रात रात तक चुनाव से पहले यहाँ पे दिल्ली में मंथन चला था, शायद यही कारण है कि एक मजबूत जो टिकट है वो लोगों को बांटा गया और प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन पाई है। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन में पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश सदन में भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, जो मिलने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। पे जो बैठक है वो दोपहर के बाद होगी। चलिए पीयूष आपके पास वापस आएंगे, इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जितनी भी चर्चाएं होनी, जितनी भी मीटिंग्स बैठकें होनी है, वो सब सारी की सारी दिल्ली में होंगी, यानी कि यूपी की सरकार दिल्ली में बनती हुई नजर आती है। तो ऐसे में ऐसे कौन कौन से नाम है जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे अगर 2017 से लेकर 2022 की बात करें तो कई ऐसे नाम है जो 2017 में तो जीत गए थे और पदों ने दिया गया, लेकिन 2022 में अपने ही क्षेत्र से वो हार गए, तो क्या उन्हें भी शामिल करने की कवायद नजर आ रही, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है? बिल्कुल, अगर बात करें 2022 का जो भी मंत्रिमंडल होगा वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसको ध्यान रखते हुए होगा, क्योंकि दो साल का समय बचा हुआ है। ऐसे में जातिगत समीकरण जो है उत्तर प्रदेश के अंदर काफी महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखकर के ही पूरे मंत्रिमंडल का जो ढांचा तैयार किया जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि केंद्र का पूरा हस्तक्षेप रहेगा लोकसभा चुनाव में, केंद्र जो भाजपा होगी, केंद्र नेतृत्व होगा उसका हस्तक्षेप रहेगा, पूरा चेहरा जो होगा मोदी का खुद का होगा, तो ऐसे में वहां से पूरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। अब उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, बेबी रानी मौर्य को लाया गया, राज्यपाल थी वहां से ला करके उनको उत्तर प्रदेश में बैठाया गया, तो निश्चित तौर पर उनको उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा चेहरा, दलित चेहरा जो भारत भाजपा के पास अभी तक नहीं था वो बनाने की कोशिश की जाएगी। और मेन चीज वो जाटो वर्ग से आती है जो कहीं ना कहीं बसपा का मूल वोटर माना जाता है, तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो जाटो वोटर है उसको लोकसभा चुनाव में अपनी ओर कहीं गिराने की कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर पर इस बार देखा गया चुनाव जो हुआ विधानसभा का, उसमें जो दलित वोटर था, जो उसमें काफी बदलाव देखने को मिला, वो जिस बड़ी संख्या में बसपा में ज्यादा था लेकिन वहां पर नहीं जाकर के भाजपा या अन्य दलों में बंटवारा हुआ, निश्चित तौर पर इसी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना चाहती भाजपा। अगर बात करें तमाम अन्य चेहरों की, सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद से विधायक हुए हैं तो उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी, हालांकि पहले उनको पिछली जो मुख्यमंत्री जो पहली सरकार थी, योगी सरकार थी, उसमें पहले तो उनको जो मेडिकल है विभाग दिया गया, लेकिन उनको बाद में हटा करके वहाँ दूसरे विभाग शिफ्ट किया गया, लेकिन वो काफ़ी महत्वपूर्ण अभी भी हैं क्योंकि उनके वर्ग के लोग उत्तर प्रदेश में काफ़ी हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी उनको मिलने लाजमी है। साथ ही साथ महन सिंह जो जल शक्ति मंत्री थी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े मंत्रालय है, उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी।
दिनेश शर्मा को कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहे हैं कि उनको विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको एडजस्ट किया जा रहा है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है ब्रजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा के लिए ब्राह्मणों का चेहरा बने हुए हैं, उनको जिम्मेदारी बड़ी मिल सकती है, उनको कोई बड़े तमाम ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, हालांकि ऐसी अभी तक भाजपा में कोई चीजें नहीं निकल के सामने। बिल्कुल अश्विनी, कहीं ना कहीं इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जब बनेगी और मंत्रिमंडल को लेकर फिलहाल चर्चाएं लगातार चल रही है, कई सारे नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है 2022 में। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी चेहरे शामिल होंगे उनकी नजर सीधा 2024 के लोकसभा चुनाव पर होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप बने रहिए और पल-पल की अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहेगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मऊ सदस्य जीतने के बाद में अब्बास अंसारी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल अधिकारियों के हिसाब किताब वाले बयान पर यह कार्रवाई की गई है। विवादित बयान वाले मामले में अब 4 और धाराओं को जोड़ दिया गया है। प्रचार के दौरान अब्बास ने अधिकारियों को हिसाब करने की धमकी दी थी और अब इस पूरे मामले में अब्बास अंसारी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। प्रचार के दौरान अब्बास ने अधिकारियों से हिसाब करने की वाली जो धमकी थी वो दी थी और अब इस पूरे मामले में 4 और धाराएं जोड़ दी गई हैं। तो मऊ सदस्य जीतने के बाद में अब्बास अंसारी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। अधिकारियों को लेकर जो हिसाब किताब वाला बयान उन्होंने दिया था चुनाव प्रचार के दौरान, इस पूरे मामले में अब 4 और धाराएं जोड़ दी गई हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अब्बास अंसारी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था अधिकारियों के हिसाब किताब वाला, तो अब इस पूरे मामले में 4 और धाराएं जोड़ दी गई हैं। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी मऊ सदर से जीत हासिल की उन्होंने और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अधिकारियों से हिसाब करने की धमकी दी थी, जिसके बाद में इस पूरे मामले में अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में 4 और धाराएं जोड़ दी गई हैं और कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये बेबाक अंदाज और बेबाक बोल जनता को बहुत पसंद आ रहे हैं और जनता अपने मुख्यमंत्री में जो दमखम और जो अंदाज देखना चाहती है वही अंदाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में जनता को नजर आ रहा है। ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे, ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे और इनका उपचार तो एक ही है और उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये तेज तर्रार अंदाज जनता को बेहद पसंद आया। जनता को अपने नेता और मुख्यमंत्री से जो उम्मीदें हैं, योगी आदित्यनाथ उन उम्मीदों पर खरे उतरे, तभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बेबाक अंदाज और बेबाक बोल जनता को खूब पसंद आ रही है। जनता अपने मुख्यमंत्री में जो दम खम और जो अंदाज देखना चाहती है वही अंदाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को दिखा। ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे, ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे और इनका उपचार तो एक ही है और उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। यूं ही नहीं कोई योगी बन जाता, यूं ही नहीं कोई कर्मयोगी बन जाता है, इसके लिए दिन रात तपना पड़ता है,
इसके लिए हर वक्त असहाय और गरीबों की भलाई के लिए काम करना होता है। तभी तो एक सन्यासी योगी बनता है और जनता की आवाज और गुंडागर्मी का सर्वनाश करने वाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होता है। 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गलिये में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सीएम योगी की लोकप्रियता में इजाफा, मंत्रिमंडल में सबसे लोकप्रिय सीएम योगी। सीएम योगी का वोट शेयर 66.18% रहा। योगी की लगातार बढ़ी है देश भर में लोकप्रियता। देश में सबसे लोकप्रिय सीएम है योगी। सीएम योगी के चेहरे पर जनता ने जताया भरोसा। योगी की छवि फायर ब्रांड लीडर जैसी है। सन्यासी वाली छवि से योगी को फायदा। हिंदुत्व के लिहाज से भी देखें तो योगी की छवि फायर ब्रांड लीडर जैसी है, जो जनता के एक वर्ग को अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा योगी ने अपनी छवि जिस तरह से सख्त प्रशासक की बनाकर रखी है, उसका भी फायदा योगी आदित्यनाथ को खूब मिल रहा है। पहले कावड़ यात्रा पे रोक लगती थी और समाजवादी पार्टी का मतलब तो जो मुजफ्फरनगर का दंगा करवा दे, कोसी कला में दंगा करवा दे, सचिन और गौरव जैसे युवकों की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि उन नौजवानों ने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वे गए थे और इस आधार पर उनकी निर्दोष नौजवानों की हत्या कर दी जाती है। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में। तभी तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय फलक पर भी योगी आदित्यनाथ को ब्रांड की तरह इस्तेमाल करती है। ऐसे में यूपी की जीत में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काफी अहम है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कामयाबी, लोकप्रियता और अपने दम पर हासिल करते जा रहे हैं। सीएम योगी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो यूपी में नंबर वन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। वही चित्रकूट में दिल दहला देने वाली घटना इस वक्त सामने आई है। सीतापुर चौकी क्षेत्र के राघवपुरी मोहल्ले में 8 साल के मासूम की पड़ोसी ने बेरहमी से हत्या कर दी और शव के 3 टुकड़े करके डिब्बे में बंद कर घर में ही छिपा दिया। लेकिन जब शव से बदबू आने लगी तब जाकर लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि बच्चा 4 दिन पहले से लापता था, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही एसपी धवल, जयसवाल, कोतवाल राजीव कुमार और सीतापुर चौकी प्रभारी प्रवीण फोर्स के साथ वहां पहुंचे। पुलिस टीम शव को ले जाने लगी तो परिजन और ग्रामीणों ने रास्ता रोक लिया। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 8 तारीख को एक बालक के लापता होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तत्काल 8 तारीख को ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बालक की तलाश के लिए टीमों का गठन किया था और लगातार उसकी तलाश जारी थी। आज उस बालक का शव उसके ही एक पट्टीदारी के चाचा लगते हैं, उनके घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा 3 संदिग्ध आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।